जयपुर के जितने भी बाजार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप पटरी हैं यहाँ पे भी देख सकते हो, और ये जितने भी बाजार आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे सब, मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो श्री जगदीश जयंती, श्याम ब्रदर्स, ये इस तरीके से इन सब के अंदर यहाँ पर, ये यहाँ वाली मार्केट है कपड़े की मार्केट, और जो वहाँ की तरफ वो जो अपोजिट साइड है वहाँ पर आपको मिलेंगे सारे के सारे बर्तन, और ये बिल्कुल हवा महल वाला जो रोड है उस रोड के ऊपर है। सो दोस्तों इसकी मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी आप बाहर से देख रहे हो, अभी मैं अंदर से दिखाऊंगा कि अंदर से इसकी लुक कैसे देखने वाली है। ये देखो बाहर से कितने सारे बच्चे यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं पूरा का पूरा, और यार इसके अंदर कैमरा स्टैंड खोलने देते नहीं है, और वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई है। पूरी वीडियो देखना प्लीज़, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल। दोस्तों पूरे जयपुर का नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी टॉप है, और इस टॉप फ्लोर से आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ का जयपुर का नज़ारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर के अंदर, जहाँ पर चूड़ियाँ बनती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो चूड़ी के ऊपर जो इस तरीके से आपको हीरे मोती से लगे हुए नज़र आते हैं, ये उस तरीके से यहाँ पर ही रखे हुए हैं सारे के सारे, और ये इस तरीके से क्ले होती है जिसके ऊपर उसको इस्तेमाल करके चिपकाया जाता है। ये पूरा का पूरा नज़ारा देखो ऊपर से, ये टॉप व्यू का दोस्तों नज़ारा मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। ये देखो पूरी की पूरी पिंक सिटी दिख रही है, ये बच्चे उतर रहे हैं यहाँ की तरफ से, ऐसे ही घुसे थे बस, इतना सही है ये खाली। आओ चलो ऊपर की साइड चलते हैं, लड़ो मत ना दोनों को, ना क्या क्यों लड़ रहे हो, ले लो अंकल फोटो, लो फोटो लो, हट जाओ भाई, हट जाओ यार, हट जाओ, फोटो ले दो, फोटो अच्छी आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए भैया, किसी की फोटो ख़राब नहीं करनी चाहिए कभी भी, हो गई, चलो आ जाओ अंकल, अच्छी फोटो आनी चाहिए आंटी की, ध्यान रखना। तो दोस्तों अब लेके चलता हूँ आपको ऊपर, लेकिन देखो पहले से पहले देखो कितना प्यारा फाउंटेन यहाँ पर चल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठंडक ठंडक सी महसूस हो गई। हेलो भाई, अब यहाँ से हम करते हैं इसके सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर, लास्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हो इस तरीके से। चलिए दोस्तों चलता हूँ आपको ऊपर लेकर के, जैसे कि आप देख रहे हो, ओके बहुत वीडियो है, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना सारे सारे, आओ है नहीं भाई, चैनल सब्सक्राइब कराना चाहिए, कराना चाहिए क्यों भाई जी, सही बात है। अब चल रहे भैया ऊपर की तरफ, पूरी भूल गई है, गोल चक्कर आ भाई, ये तो पूरा पूरा, ओके यहाँ पे भी देखो यार छोटी छोटी खिड़कियाँ सुन रखी है, ओके ये भाई ऊपर की तरफ, ओके हेलो अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से हम अंदर आए हैं और यहाँ नीचे का सेम पूरा नीचे जाने का रास्ता ही, कमरा ये कमरा देखो, ये गुस्सा खाना कमरा है, ओके चलो दोस्तों आप एक काम करते हैं यहाँ पर भाई, थोड़ा सा करना भाई दरवाजा तो कोई सा खुलेंगे नहीं, अब यहाँ पर लेते थोड़ी बहुत फोटो, बढ़िया बढ़िया चलते हवा महल के लास्ट फ्लोर के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का।
फोटो अच्छी आ सकती है यहाँ से, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी खिड़कियाँ दे रखी है, देखो फुहारा चल रहा है अभी भी अंदर से। आ जाओ भाई, अच्छा इससे ऊपर भी कुछ है। हाँ पहले पहले दोस्तों ये वाला दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ये वाला व्यू बहुत मस्त है यार, यहाँ की लोकेशन बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे बच्चे आए हुए यहाँ पर स्कूल के बहुत सारे। हाँ बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के, हम भी दिल्ली से आए हैं लेकिन बच्चे बेचारे यही है, यही पे कभी कभी आके घूमते फिरते रहते हैं। आगे किसी को नहीं भगना, आगे और हवा मंदिर भी चल रहे हैं हम, और यहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा दिखाना भाई कर दो, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा नज़ारा देखो ऊपर से, ये टॉप व्यू का दोस्तों नज़ारा मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। ये देखो पूरी की पूरी पिंक सिटी दिख रही है, ये बच्चे उतर रहे हैं यहाँ की तरफ से, बहुत ही बढ़िया। और ये देखो पूरा एक ही है, ये यहाँ चढ़ने का एक ही है खाली ये। ओके अभी यहाँ की तरफ से भाई बच्चे उतर जाए फिर हम चढ़ते हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर, बेटा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, मज़े आ रहे हैं, क्या बातचीत, बहुत बढ़िया। अच्छा चढ़ने की, मेरे ख्याल से चढ़ने का वो वाला भी था शायद, ऊपर की तरफ से भी था चढ़ने का, चढ़ने का यही है भैया। ओके क्या बात है, स्कूल के बच्चों की ट्रिप होती रहती है यहाँ पे, डेली होती है, क्या बात, बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर टिकट बहुत सस्ती है, और नॉर्मल बंदे के लिए 50 रुपये, और फॉरेनर कोई आता है बाहर विदेश से कोई आता है तो उसके लिए 200 रुपये उसको यहाँ पर पे करना पड़ता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो सारे के सारे इस तरीके से नज़ारे देखने को मिलते हैं, जब तक ये लाइन खाली हो नहीं सकती हम ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। थम जाओ भैया, रुकेगी नहीं रुकेगी आज लाइन ये। अच्छा भैया टाइमिंग होता है इसके ऊपर तक चढ़ने का, कुछ कोई टाइमिंग नहीं है, कितनी मर्जी देर तक रहो। ये देखो भाई फोटोज ले रहे हैं बच्चे, 6 बजे तक लास्ट बंद हो जाता है ये। ओके दोस्तों 6 बजे तक लास्ट बंद हो जाता है। हाँ जी भैया लाइव चल रहा है क्या? लाइव नहीं भैया, मेरा ना अपना चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मेरा चैनल है सैनी साहब व्लॉग्स के नाम पे, 6 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, सो लोग प्यार देते रहते हैं सो उनके लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। ओके अब चलते दोस्तों ऊपर की तरफ, आओ। ओके ये देखो ये छोटी सी गुफा है भाई, इतना इंतज़ार करने के बाद अब हमें भी मौका मिल गया ऊपर चढ़ने का। ओके भाई जीने दिखाओ, ये देखो पूरा नज़ारा भाई, एक बार कोई बंदा गिर गया तो ख़त्म ही भाई, ध्यान रखना आराम से प्यार मोहब्बत से चढ़ना। और ये पूरा ऊपर का व्यू देखो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत बढ़िया। लो भाई बैक कैमरे से लेते हैं, जितना भी आप नजारा देखोगे ना यहाँ की तरफ से पूरा का पूरा यहाँ से आपको पिंक देखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ भाई पहाड़ों की तरफ का नजारा, वहाँ पहाड़ों की तरफ करो, ये पूरा का पूरा दोस्तों आपको येलो देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया। और ये इसकी लास्ट देखो टोपी भाई, इसकी चोटी दिखाना जरा एक बार मुझे दिखाओ। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी चोटी है, लास्ट फ्लोर है इसका, और उस वाली तरफ से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, चला जाओ एक बार यहाँ की तरफ से। ओके ये देखो दोस्तों, ये भैया हम आ चुके हैं इसके कोने में बिल्कुल ही, नज़ारा अच्छा है मैम यहाँ का, इज दिस व्यू वेरी गुड, यस। ये देखो दोस्तों ये नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये ऊपर का नज़ारा पूरा का पूरा भाई, मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए डर और लग रहा है कहीं छूट गया तो काम हो जाएगा। ये देखो भैया ये नज़ारे हैं यहाँ के दोस्तों, पूरे जयपुर का नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी टॉप है और इस टॉप फ्लोर से आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ का जयपुर का नज़ारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं फोटोज़ खींच रहे हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं जो आप हवा महल की सामने वाली लुक देखते हैं वो है ये वाली लुक, जैसे कि आप देखते हैं पूरी पिंक सिटी है, ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी मैं वहाँ की तरफ था, अब मैं यहाँ की तरफ आ गया हूँ, और अभी ये देखो ये पूरा पहाड़ वाला एरिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर, क्या बातचीत, ये पूरा पूरा दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया इसका नज़ारा।
सो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इनके टॉप के ऊपर। यहाँ से जैसे कि आप नज़ारा देख भाई वगैरह जाके देखते हो ये देखो यार कितना प्यारा नज़ारा इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सुंदर इस तरीके का नज़ारा लग रहा है और ये बहुत बड़ा है। आप देख पा रहे कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा देखने को आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया व्यू भाई थोड़ी सी पास की तरफ आना। ये देखो नीचे की तरफ से मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो फुहारा देखो कितना सुंदर यहाँ पर इस तरीके से फुहारा चल रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। पीछे की तरफ जाएगा ये यहाँ का टॉप फ्लोर है और जो व्यू यहाँ से आपको मिल सकता है वो व्यू कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा पूरे दिन। सही है ना भैया, यहाँ का व्यू एकदम ब्यूटीफुल है, बढ़िया और मैं यहाँ का दोस्तों यहाँ पर घूमकर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहना यार। विराज सैनी को सब्सक्राइब करो, सैनी साहब ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। तो अब जा रहे हैं हम हवा महल से बाहर, ये पूरा का पूरा एग्जिट है जैसे कि आप देख पा रहे हो, पूरी पतली सी गली है यहाँ से बाहर निकलने के लिए एग्जिट ले लेते हैं यहाँ से। बहुत मज़ा आया है यहाँ पर घूम करके, जयपुर के लोग भी बहुत बढ़िया है और जयपुर भी बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज दोस्तों लेकर आने वाला हूँ मैं यहाँ से आपके लिए। और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब ना करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर के अंदर जहाँ पर चूड़ियाँ बनती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो चूड़ी के ऊपर जो इस तरीके से आपको हीरे मोती से लगे हुए नज़र आते हैं ये उस तरीके से यहाँ पर ही रखे हुए हैं सारे के सारे। और ये इस तरीके से क्ले होती है जिसके ऊपर उसको इस्तेमाल करके चिपकाया जाता है, ये इस तरीके से सारे के सारे दोस्तों तैयार किए जा रहे हैं। और ये देखो ये इस तरीके से ये भी क्या होती है चैन होती है इसके ऊपर चिपकाई जाती है ये भी। ओके बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जो आप चूड़ी देखते हो वो सबसे पहले इस तरीके की रॉ मटेरियल के अंदर होता है, ये सारा का सारा सामान इसके अंदर भरा जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर भरा जाता है और उसके ऊपर ये इस तरीके के दोस्तों ये सारे सारे ये मोती से लगाए जाते हैं जो कि उसके अंदर एक चमक देते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत सस्ते में दोस्तों यहाँ पर ये तैयार हो रही है सारी सारी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं रूट दिखा रहा हूँ आपको सीधा जयपुर से अच्छा जी वाह एक दिखाना जरा, हाँ कर दो पकड़ना पकड़ना हाँ हाँ इस तरीके से। और इसमें अभी क्या क्या काम होता है, दो तीन और चिपकाए जाते हैं इसके अंदर है? दो तीन और चिपकाए जाते हैं इसके अंदर नहीं इसमें चमक लगेगा। अच्छा जी बहुत बढ़िया, बस क्या चिपका रहे सारे सारे हैं एक एक करके। हमारा सेठ हुआ। अच्छा जी सेठ जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस पर रंग कैसे चलाते हैं फिर इसके ऊपर, जैसे ये जो रंग लगा हुआ। अच्छा वो तो चिकनी मिट्टी लगा रहे रंग थोड़े चढ़ा रहे हैं उसमें रंग डाल दिया ना चिकनी मिट्टी। अच्छा जी और चिमकीला लगेगा चमक वाला। ये पूरी सही है भाई, बहुत बढ़िया।